नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, कुछ आप लोगों के कमेंट हैं मेडिकल से रिलेटेड और भी यूके ने कनाडा जाने से रिलेटेड, तो मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। 2 से 3 मिनट का वीडियो रहेगा, पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक हबीबा रूम सैयद बोलते हैं, सर मेरा मेडिकल अनफिट हो गया, प्रॉब्लम एक्सरे में दिया, डॉक्टर ने दवाई दी, 10 दिन के बाद दोबारा मेडिकल के लिए बोला, क्या मैं मेडिकल दोबारा करवा सकता हूं? तो भाई मेडिकल 10 दिन बाद अगर आप करवाना चाहते हो तो क्यों नहीं करवा सकते। कई बार क्या होता है, मेडिकल में आ जाता है कि एक्सरे में थोड़ा वो दाग आ जाता है, या ब्लड में, आंखों में, या बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, तो डॉक्टर क्या 10 दिन की दवाई लिख के देता है, फिर दोबारा रिपीट कर देते हैं। इसको बोलते हैं एक्सरे में रिपीट हुआ। 10 दिन वो दवाई लेके जाता है तो 90% वो फिट हो जाते हैं लोग, 10% उसकी किस्मत खराब है तो भैया दोबारा अनफिट हो जाते हैं, वो फिर अनफिट ही हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल दवाई लेके दोबारा ट्राई कर सकते हैं। पंकज कुमार सिंह बोलते हैं, जिनको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है दुबई जा सकता है क्या? भाई देखिए, दुबई क्या, वो कोई भी कंट्री नहीं जा सकता, क्योंकि ये ब्लड से रिलेटेड ये होती है प्रॉब्लम, वायरस होते हैं ये, कोई वैसे आप कोई बीमार नहीं पड़ जाते इससे, लेकिन वो होता है उसमें ये साला, इसी इतनी खतरनाक बीमारी जिसको सिस्टम मानता है, ठीक है, कि इनका मेडिकल भी अनफिट हो जाता है और कंपनियां भी वीजा नहीं लगाती, वो इनकार कर देती है, क्योंकि मेडिकल में कल को दिक्कत हो जाती है तो उसकी कंपनी जिम्मेदार होती है, इसलिए वो वीजा नहीं लगाती, बाकी कोई इश्यू नहीं है। श्रीनिवास इसरवा बोलते हैं, सर जापान जॉब यूट्यूब पे आ रहा है, जस्ट पे एप्लीकेशन फीस इन मेडिकल फीस 7,600 रुपये, वो सही है। दिल्ली इंटरव्यू, दिल्ली द्वार का क्या लिख रखा है भाई, दिल्ली द्वारका मोर एजेंट से। भाई पहले तो मैं बता दूं कि आप लोगों है ना, आप लोगों की सच्चाई है कि साला ईमानदारी से आप है ना किसी को 10 रुपए नहीं दे सकते, और यहां आप है ना ऐसी तैसी करवा लेते हो अपनी, सीधा बोलता हूं भाई, बुरा लगे तो लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 7,600 रुपए लग रहे हैं आपको ईमानदारी से, लग रहा है क्या है ये, जापान का कहां मेडिकल है मेरे भाई, क्या है, क्यों फालतू पछड़ों में पड़ रहे हो, लेकिन आप भी इसी लायक हो, ठीक है ना। मेरे पास कमेंट आए, मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है आप लोगों के लिए खास तौर से, आपको 500 रुपये ईमानदारी से देने में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, एजेंटों से 10-12 हज़ार रुपये मेडिकल के नाम से यूं ठगवा लेते हो, समझ गए बात को, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। अनिल कुमार बोलते हैं, सर मैंने सिंगापुर होटल हाउसकीपिंग जॉब के लिए 6,000 देकर मेडिकल करवाया, क्या मुझे वर्क परमिट मिलेगा? भाई आपको तो दुबई का ही नहीं मिलेगा, सिंगापुर तो बहुत बड़ी है, दूर की बात है, कहाँ वीजा है, 6,000 मेडिकल के दे दिए, आप खुश हो, अब दूसरी जगह ट्राई करो, मेडिकल अलग कराओ गल्फ का या और कंट्री का, वहां वीजा मिल जाएगा, यहाँ का नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि आप इसी के लायक हो। आपको बड़ी कंट्री जाऊं, बड़े, वो हमारे मारवाड़ी में कहावत है, बड़े बड़े गांव जाऊं, बड़े बड़े लड्डू खुआऊं, समझ गए कि आपको बड़े बड़े सपने आपको साकार करने हैं, आपकी योग्यता आपकी स्किल नहीं है, लेकिन नहीं जाना आपको यूरोपीय है, तो भाई देते रहो पैसे लोगों को। जम्स प्रधान बोलते हैं, सर मैं कतर से मेडिकल अनफिट हुआ, फिर अपना देश रिटर्न कर दिया गया, मुझे कितने महीने में फिर कतर अप्लाई कर सकता हूं? भाई मेडिकल अनफिट हो गए, दोबारा अप्लाई कर लो, वहां दोबारा अनफिट कर दोगे, क्या मतलब होता है यार, अनफिट हो गए ट्रीटमेंट लो, यहाँ गमका मेडिकल कराओ, उसमें फिट होते हो फिर अप्लाई करो, ऐसे तो फिर क्या पैसा फालतू में झाड़ पे उगते हैं क्या, ये ज्यादा पैसे हैं आपके पास, कितने दिन में अप्लाई कैसे कर लोगे, 3 महीने बाद जाओगे फिर अनफिट हो जाओगे, फिर वापस आ जाओगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा, आप खुद रहोगे ना, पहले ट्रीटमेंट लो, यहाँ पे गम का मेडिकल कराओ, उसमें फिट हो जाते हो, फिर दोबारा अप्लाई करो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। संजय भादरवाज बोलते हैं, सर मुझे अभी कॉल आया था पंचकुला हरियाणा से, 3,000 रजिस्ट्रेशन फीस बोला, 8,000 मेडिकल फीस बोला, टोटल 35,000 रुपये कॉस्ट वीजा का है, कनाडा पेमेंट 2,00,000 रुपये बोला है, कंसल्टी ऑफिस क्रो वर्ल्ड है, भाई ये ऐसा तो नाम है कि साला ढूंढने से नहीं मिलेगा ये। अब देखिए, 3,000 आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना है सर, कुछ नहीं लगेगा, कनाडा पहुंचा देंगे मात्र 35,000 में आपको, ठीक है, और 8,000 रुपये का आप मेडिकल करवा लीजिए, 3,000 आपकी फीस रजिस्ट्रेशन, यहाँ हमारे रजिस्ट्रेशन होगा गवर्नमेंट के नाम में, ठीक है, तो 11,000 ये हो गए, टोटल 35,000 देना है, 2,00,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। अफसोस होता है यार, मुझे ऐसे कमेंट पढ़ता हूँ ना, क्या बताएं भाई, अब ज्यादा बात मैं भी करूंगा तो बोलते हैं सर आप अपनी बातें ऊपर रखते हो इसलिए बोलते हो, कोई नहीं भाई, मैं तो इतना ही बोलूंगा कि इन चीजों में पढ़ोगे तो आपका नुकसान ही है, बाकी कनाडा तो लोग 20-20 लाख देने वाले मेरे पास बहुत हैं भाई, 1,000 लोग मैं तैयार कर दूं मैं भेजने के लिए, कोई भिजवा दो ना कनाडा, मेरे पास भी ऐसे ऑफर आते हैं। चलो उस पर कभी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें साथियों,
और अगर आपको कोई कमेंट, आपका माइंड में क्वेश्चन चल रहा है, बात नहीं हो पा रही है, कमेंट कर दे, मैं वीडियो के माध्यम से आंसर देने की कोशिश करूंगा। और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर ले, ताकि नई नई जानकारी नई रोज आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।